हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मार्जिनलाइजेशन होती क्या चीज़ है ये तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देख लिया। नहीं देखा तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर, सारे जो भी चैप्टर्स हैं आपके क्लास 8 के वो मैंने अपलोड करे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि ये जो मार्जिनलाइजेशन है इससे आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, रियल लाइफ में मार्जिनलाइजेशन कैसी दिखती है, एक बार हम लोग इस चीज को समझते हैं स्टोरी से। और ये जो स्टोरी है इसको सुनने के बाद आप सच में इमोशनल हो जाओगे। अरे लड़के कौन है तू? जी जी मैं अब्दुल कलाम हूं। अरे लड़के है तो तू मुसलमान ही ना, तो फिर ये पंडित जी के बेटे के साथ कैसे बैठा है? जा क्लास में सबसे लास्ट में बैठ जा, मुसलमान है तू। लेकिन सर ये तो मेरा दोस्त है, मैंने क्या गलती कर दी मैं अगर मुसलमान हूं तो? ठीक है सर आप कह रहे हो तो मैं लास्ट में ही बैठ जाता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये स्टोरी तो सच हो ही नहीं सकती, बट अगर मैं आपको बोलूं कि वो अब्दुल कलाम नाम का जो आपने लड़का देखा था, वो मुस्लिम बॉय जो अब्दुल कलाम आपने देखा था, वो इस देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके साथ भी ये चीजें हुई हैं, तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम। जो लोग मार्जिनलाइज ग्रुप को ट्रीट करते हैं जैसे दलित्स को, मुस्लिम्स को, वुमेन्स को, इस ट्रीटमेंट को बंद कर देना चाहिए। आदिवासी, दलित्स, मुस्लिम, वुमेन और भी जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप है, इन सब ने अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करा और बोला कि भाई देखो हम लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारी भी इज्जत होनी चाहिए, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली हमें ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों था, ये रिस्पेक्ट क्यों मांग रहे थे? क्योंकि जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो इन सब लोगों ने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां पर जाकर ढूंढा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाकर ढूंढा, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्हें इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला भी, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। देखो जो हमारी कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पर जो भी लीडर है उसे वोट देकर चुना जाता है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो भी कुछ इस तरीके के होने चाहिए जिसके अंदर जितने भी लोग हैं सबको फंडामेंटल राइट्स मिले। अब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, मतलब आप लोगों को इक्वली ट्रीट करा जाए, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, बस आप इंडियन होने चाहिए तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आप कुछ भी आज़ादी से बोल सकते हो, चाहे आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोलना हो लेकिन आप कुछ भी आज़ादी से बोल सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हर एक पर्सन को मिलते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर एक पर्सन को ऐसे ही कुछ राइट्स मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं राइट्स का इस्तेमाल करके मार्जिनलाइज्ड लोगों ने अपने आप को कई बार सेव करा, ठीक है। इन राइट्स का जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो ये जो इनके बेसिक राइट्स है, इन बेसिक राइट्स का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि देखो हमारे साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही है इन्हें क्या करो, रिकॉग्नाइज करो, इन पे ध्यान दो, देखो कि भाई हम मार्जिनलाइज लोगों के साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही है उसको सही करे गवर्नमेंट। तो ऐसा वो फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को, और साथ ही में वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफ़ी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट फॉलो करो। अगर कोई किसी मार्जिनलाइज्ड पर्सन के साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन। अनटचेबिलिटी जो थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके से बुक ऑफ रूल्स है, हमारी कंट्री के जो भी रूल्स हैं वो इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं, और इसी बुक के अंदर एक आर्टिकल 17 है जिसके अंदर अनटचेबिलिटी को क्या करा गया है, एबॉलिश, मतलब कि खत्म करा गया। अब ये अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दलित्स को ही अनटचेबल माना जाता था। मतलब अनटचेबल का मतलब क्या हो गया? मतलब ये जो इंसान है इसको कोई भी टच नहीं करेगा। ये हमारी कोई भी जो ऊपर की कास्ट वाले लोग होते थे ना, वो ये बोलते थे कि ये जो दलित है ना ये हमारी किसी खाने की चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, ये जो दलित्स हैं ये हमारे टेम्पल्स के अंदर नहीं आएंगे, ये जो दलित्स हैं ना ये हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे भी नहीं, ये जो दलित्स हैं ये हमारे वेल से यानी कि हमारे कुएं से पानी भी नहीं लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, मतलब स्कूल में भी ऐसा ही होता था, यही सिस्टम फॉलो करा जाता था। तो जो अनटचेबिलिटी है उसे काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना अनएथिकल है, मतलब इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है
कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी। और अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल क्राइम है। अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हो उसकी कास्ट के बेसिस पे, उसको ये बोल रहे हो कि आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, आपकी लोअर कास्ट है, आप मंदिर के अंदर अलाउड नहीं हो, तो ये क्या है, ये एक तरीके का आप क्राइम कर रहे हो और इसकी वजह से आपको सजा भी हो सकती है। अदर सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी सच एज आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट दैट नो रेजिडेंट ऑफ द इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15 है उसके अंदर क्लियरली ये चीज मैंशन है। पता है क्या चीज मैंशन है? क्लियरली ये चीज मैंशन है कि इंडिया के अंदर कोई भी इंडिया का रेजिडेंट है उसको डिस्क्रिमिनेट, मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी उसका कलर हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे कोई भी सेक्स हो, मेल हो या फीमेल हो, या कहीं पर भी वो पैदा हुआ हो, इसके बेसिस पे उसको क्या नहीं किया जाएगा, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दलित्स इसी चीज़ का इस्तेमाल कर इक्वालिटी डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो दलित्स हैं वो भी ये डिमांड करते हैं कि हमें भी इक्वली ट्रीट करो। तो जो दलित्स हैं दे कैन एक्सरसाइज देयर बेसिक राइट्स, ठीक है, इफ दे बिलीव दे आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली बाय इंडिविजुअल सोसाइटी और इवन गवर्नमेंट। अगर दलित को कहीं पर भी ऐसा लगता है कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब उनके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करा जा रहा, गवर्नमेंट उनके साथ मतलब कि कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छा मान रही है जो ऊंची कास्ट वाले हैं और दलित को अच्छा नहीं मान रही, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। सोसाइटी के अंदर अगर उन्हें ट्रीट करा जा रहा है कि कोई दलित है और उस दलित पर्सन को सोसाइटी के अंदर अच्छे से ट्रीट नहीं करा जा रहा, तो वो उसके सोसाइटी के अंदर भी सोसाइटी के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। कोई इंडिविजुअल है, मतलब कि उनके स्कूल में कोई टीचर है या फिर उनका कोई स्कूल में दोस्त है जो ये बोल रहा है भाई तुम तो दलित हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, या कोई टीचर है जैसा अभी उन्होंने अब्दुल कलाम जी के साथ करा था ना कि जाकर पीछे बैठ जाओ क्लास में, तो इस टाइप से कोई टीचर उनके साथ बिहेव कर रहा है, तो इस केस में दलित कहाँ जाए? दलित जा सकते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर कोर्ट जो है उनकी हेल्प करेगा इस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने में, मतलब इस फंडामेंटल राइट को पाने में, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी पर्सन गलत चीज़ कर रहा होगा उनके साथ, उसके खिलाफ क्या होगा, एक्शन लिया जाए। इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सर्टेन कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप सच एज मुस्लिम एंड पारसीज हैव द राइट टू be custodian of the culture's content and the right to make decision about how best to preserve that content। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ कि जब cultural और educational right की बात करें, हमारे इंडिया के अंदर हर एक बच्चे को पढ़ने की आज़ादी है, तो ऐसे ही अगर हम मुस्लिम और पारसीज की बात करें तो इनके केस में क्या होता है कि जो पढ़ाई लिखाई वगैरह वाली चीज़ है ना, ये लोग ये मानते हैं मुस्लिम और पारसीज के जितने भी हमारे बच्चे हैं हम इनको अपने तौर तरीके से, अपने धर्म के जो हमारा रिलीजन है उसके तौर तरीके से पढ़ाएंगे, अपने कल्चर के तौर तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे अगर कोई हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा पढ़ने, तो ऐसे वो बुरखा वगैरह पहने, हेड को कवर करके जाए, तो इस तरीके की सोच है, ठीक है। कल्चर को वो क्या करके रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करके रखना। कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एश्योर कल्चरल जस्टिस फॉर सच कम्युनिटीज बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल फ्रीडम। अब इसी चीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिस्पेक्ट करता है कि देखो भाई अगर आप लोग अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हो तो हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी आप सोचोगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाला किसी के भी रिलीजन को, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर राइट टू रिलीजन है, मतलब हमारी कंट्री के अंदर कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। कोई मुस्लिम बनना चाहता है मुस्लिम बन जाए, कोई अगर क्रिश्चियन बनना चाहता है क्रिश्चियन बन जाए, तो हमारी कंट्री अलाउ करती है इस चीज़ को। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारी कंट्री ने ये बोला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि अगर कोई अपने धर्म को फॉलो करते हुए पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अलाउ करें। दिस इज डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन टू एश्योर दैट द आइडेंटिटीज ऑफ दीज कम्युनिटीज आर नॉट हिडन और वॉश्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ द डोमिनेंट पॉपुलेशन। तो ऐसा क्यों करा कॉन्स्टिट्यूशन ने? कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा इस वजह से करा, ऐसा रूल इसलिए बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किसी भी धर्म के पर्सन को ऐसा फील ना हो, किसी भी रिलीजन के पर्सन को ऐसा फील ना हो कि भाई हमारे तो रिलीजन को फॉलो ही नहीं किया जाने दिया, मतलब हमारे रिलीजन को तो कोई फॉलो ही नहीं करने दे रहा।
कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई आप लोग अगर मुस्लिम हो तो आप ऐसे बुरखा वगैरह पहन के स्कूल नहीं आ सकते। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप सिख हो तो आप ये पग लगा के नहीं आ सकते स्कूल वगैरह में। तो ये सारी चीज़ ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अगर कोई बुरखा पहन के स्कूल वगैरह में आना चाहता है, ऐसे अपनी बॉडी को कवर करके आना चाहता है किसी स्कार्फ से, तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने धर्म को भी फॉलो कर रहा है और अपने पढ़ाई वगैरह भी कर रहा है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए करा जिससे कि किसी भी हमारे इंडिया के अंदर किसी भी धर्म के पर्सन को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैंपल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ, एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज को इनेक्ट करा हुआ है, मतलब बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं पूरी ही कंट्री के सिटीजन्स के लिए, जितने भी हमारी देश के अंदर सिटीजन्स हैं सबके, और जितने भी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए हुए हैं जिससे कि इन मार्जिनलाइज्ड लोगों के साथ कोई भी गलत तरीके से बिहेव ना करे। अब बात करते हैं प्रमोटिंग सोशल जस्टिस की। अब देखो, इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या करते हैं, ये फ्री और डिस्काउंटेड डॉर्मेंटरीज देते हैं टू स्टूडेंट्स फ्रॉम दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज। मतलब दलित और आदिवासी को डिस्काउंटेड डॉर्मेंटरीज या फिर कहीं जगहों पर तो फ्री भी मिलती है। इसका मतलब क्या है, डॉर्मेटरीज होती क्या चीज़ है, डॉर्मेटरीज बेसिकली हॉस्टल वाली जगह होती है जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं, वहां पर खाना पीना खा सकते हैं, सो सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये है कुछ जगहें हैं, कुछ स्टेट्स हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जहां पर ये फ्री में दलित को और आदिवासी कम्युनिटी के बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन भैया ये तो गलत बात हुई ना, एक चीज बताओ, ये जो दलित और आदिवासीज हैं इन्हें ही डिस्काउंट में क्यों मिल रही हैं सारी चीजें, हमें क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों की ये सोच है, बट इसको समझते हैं। देखो, जो दलित्स हैं और जो आदिवासीज हैं, आखिरकार गवर्नमेंट उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी क्यों दे रही है, उनको फ्री में चीज़ें क्यों दे रही है, उन्हें डिस्काउंट में चीज़ें क्यों दे रही है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। देखो, जितने भी ये दलित हैं इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता था, इनको बोला जाता था अरे तुम तो साफ सफाई वाले हो, तुम तो दलित हो, तुम तो यहाँ हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ का पानी मत पियो, हमारे यहाँ के पानी को हाथ मत लगाओ, गंदा हो जाएगा क्योंकि तुम दलित हो, ठीक है, हमारे टेंपल में मत आओ, हमारे स्कूल के अंदर मत जाओ। इन सारी चीज़ों की वजह से दलित को बहुत प्रॉब्लम हुई। अब सोचो, इतना ज़्यादा किसी को बुरी तरीके से बिहेव करा जा रहा है, बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है और उसको मतलब कि स्कूल भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इन पर्सन्स को, दलित्स को। इस वजह से इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो अच्छे से हो नहीं पाई। अब पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो आपको पता है कि अच्छे से पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, तो इकोनॉमिकली ये लोग काफ़ी वीक होते हैं। सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है आदिवासी के साथ। आदिवासी को कैसे ट्रीट करा जाता है, अरे तुम तो जंगली हो, जंगल के लोग हो, तुम तो जिंगा लाला हु हुंगा लाला हु करते रहते हो, तुम लोगों से तो हम बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके का आदिवासी से भी ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो दलित्स हैं और आदिवासीज हैं इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है, इन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो दलित और आदिवासी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको हम लोग पढ़ा लिखा दें, थोड़ा सा हम उन्हें डिस्काउंट देंगे चीज़ों में, तभी वो पढ़ने के लिए आएंगे क्योंकि इनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई की ज़्यादातर चीज़ों, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे ही दलित और आदिवासी कम्युनिटी के लोग पुअर होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में हमें देखने को मिलता है कि ऐसा है। इस वजह से गवर्नमेंट इन्हें ये स्पेशल या फिर डिस्काउंटेड चीज़ें प्रोवाइड करती है। साथ ही में गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट का बेसिक मतलब बेसिक जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो यही है कि दलित और आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा
एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए पढ़ लिख पाए। लॉज को बहुत बार गवर्नमेंट यूज करती है जिससे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी खत्म हो पाए। अब देखो क्या होगा, अगर दलित या आदिवासी का कोई बच्चा पढ़ लेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट ने उन्हें सस्ते में पढ़वा दिया, तो अगर वो बच्चा पढ़ लेगा तो पढ़ने के बाद उस बच्चे की जॉब लगेगी, जब जॉब लगेगी तो वो कुछ पैसे कमाएगा, जब पैसे कमाएगा तो वो अपने घर की कंडीशन ठीक कर पाएगा, जो उसके बच्चे होंगे उन्हें वो अच्छे से पाल पाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस को, साथ ही में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, और वहाँ पर उन्हें अपना कास्ट या फिर ट्राइब का फॉर्म देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको क्या मिल जाएगा, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मान लो अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और उस कॉलेज में एडमिशन के लिए मार्क्स चाहिए 70, अगर आप दलित या फिर आप आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये बोल देती है कि आपको 70 मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 50 मार्क्स लाने, उतने में ही काम आपका हो जाएगा, 50 मार्क्स में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के लिए 100 मार्क्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो दलित को या फिर कोई भी जो हमारा आदिवासी कम्युनिटी का पर्सन होगा उसको सिर्फ वही पेपर के अंदर 70 से 80 मार्क्स लाने होंगे और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉज को बनाया गया, इनको बनाने का लॉज को सिर्फ एक ही रीज़न है, ये दलित और आदिवासी को हेल्प करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, जिससे कि ये लोग भी और लोगों की तरह इक्वल लेवल पर आ। अगर कोई एप्लीकेंट बिलोंग करता है टू अ गवर्नमेंट लिस्टेड दलित कास्ट और ट्राइब तो वो लोग एलिजिबल होते हैं फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफर्स अ कलेक्शन ऑफ मार्जिनल ग्रेड्स फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी स्पेशली वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो आप समझ गए होंगे जो चीज़ मैंने आपको बताई कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर आपको कम मार्क्स के अंदर ही एडमिशन मिल जाता है अगर आप दलित और आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग रिजर्वेशन भी बोलते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि इसको तो रिजर्वेशन मिली हुई है, उसको रिजर्वेशन मिली हुई है, तो ये जो चीज़ होती है इसे रिजर्वेशन बोलते हैं। ओनली दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स ओवर द थ्रेशहोल्ड आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। देखो दलित और ट्राइबल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो गवर्नमेंट है ये इन्हें ही स्पेशल स्कॉलरशिप देती है, ऐसा नहीं है सारे बच्चों को ये डिस्काउंट मिल रहा है, सिर्फ दलित्स को और ट्राइबल कैंडिडेट्स को ही मिलता है। अच्छा, अगर कोई दलित या फिर ट्राइबल कैंडिडेट ना हो और उसको भी वाकई में पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो वो क्या करे, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने आजकल नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करे हैं, BPL वगैरह इंट्रोड्यूस करा है, जो कि आप क्लास 9th के अंदर पढ़ोगे। मन्नू भैया से ही पढ़ लेना, मैं ही पढ़ा दूंगा तुम्हें बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार तरीके से। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी। देखो हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं जिससे कि प्रोटेक्ट हो पाए मार्जिनलाइज कम्युनिटी के राइट्स, उनको डिस्क्रिमिनेट ना करे कोई, कोई उनको एक्सप्लॉइट ना करे। एक्सप्लॉइट करने का मतलब कि कोई ऐसे ना ट्रीट करे उनको कि भाई तुम तो लोअर कास्ट के हो तो तुम लोग तो ज़्यादा काम करो लेकिन हम तुम्हें कम पैसे देंगे। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स है इनके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, और इस एक्ट के अंदर ये बोला गया है, इस एक्ट को बनाया तो 1989 के अंदर गया था, और इस एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि प्रोटेक्ट करा जाए दलित्स को और आदिवासीज को फ्रॉम डोमिनेशन एंड अब्यूज बाय डोमिनेंट कास्ट। अगर कोई ऊंची कास्ट वाला है तो वो दलित्स को और आदिवासीज को गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, जैसा अभी हुआ था ना, अभी हमने देखा था कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी, यानी कि जो APJ अब्दुल कलाम जी थे, स्कूल में गए जस्ट बिकॉज वो पंडित के बेटे के साथ बैठे थे, उन्हें डांट कर भगा दिया पीछे, क्लास में जाकर पीछे बैठो, बेवजह क्लास में जाकर पीछे बैठो, तो ऐसा ट्रीटमेंट किसी के साथ भी ना हो। मैनी अग्रेसिव दलित ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड डिमांडिंग देयर राइट्स, रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म सो कॉल्ड कास्ट ऑब्लिगेशन एंड फोकस ऑन फेयर ट्रीटमेंट। अब पता है क्या होता है, बहुत सारे ऐसे दलित ग्रुप्स एक साथ आए जिन्होंने बोला कि हम लोगों को भी इक्वली ट्रीट करा जाए, और उन्होंने रिफ्यूज भी करा कि हमारी जो कास्ट के रिलेटेड काम है, जैसे ये बोला जाता है कि जो दलित है ना, ये जो तुम्हारी कास्ट है ना, इस कास्ट के अकॉर्डिंग तो तुम्हें सफाई करनी चाहिए,
तो दलित ने बोला कि ऐसा क्यों, हम क्यों सफाई करें, हम तो पढ़ाई भी कर सकते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करके हम तो कुछ बड़े अच्छे ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ भी दलित ने आवाज़ उठाई और फोकस करा कि भाई हमें क्या मिलना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट, हमें भी इक्वली ट्रीट करा जाना चाहिए। आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर पाए अपने आप को इन 1970s टू 1980s और इन्होंने भी डिमांड करी इक्वल राइट्स और बोला कि जो भी हमारा लैंड लिया गया है इस लैंड के बदले, जो आपने हमारा लैंड लिया है इसके बदले हमें क्या दो, इक्वल राइट दो। द एक्ट डिफरेंशिएट्स बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ वायलेंसेस। अब यहाँ पर जो एक्ट है इसके अंदर अलग अलग जो भी वायलेंस, मतलब जो भी गलत चीज़ होती है दलित से आदिवासी के साथ, उसके बारे में अच्छे से इस एक्ट के अंदर मेंशन करा हुआ है। इट लिस्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एंड डीपली इमोरल ह्यूमिलिएशन, डिप्राइविंग दलित्स एंड आदिवासीज ऑफ देयर लिमिटेड वेल्थ और मेकिंग देम वर्क एज स्लेव। इस एक्ट के अंदर क्लियरली ये चीज़ भी मेंशन करी गई है कि किसी भी दलित या आदिवासी को ह्यूमिलिएट नहीं करा जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि अरे तुम तो आदिवासी, तुम तो जंगली हो, इस टाइप से कोई उन्हें चिढ़ाएगा नहीं, कोई भी उन्हें हर्ट नहीं करेगा फिजिकली या फिर इमोशनली भी। दूसरा, किसी भी दलित और आदिवासी को एज अ स्लेव भी ट्रीट नहीं करा जाएगा। स्लेव मतलब मजदूर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज वो लोग थोड़े गरीब हैं या फिर उनके पास थोड़े लिमिटेड पैसे हैं। तो इस वजह से ऐसा ना हो कि तुम भाई दलित और आदिवासी हो, तुम लोग ज़्यादा काम करो। ऐसा कुछ जगहों में तो हमारी कंट्री में ऐसा भी है कि दलित और आदिवासी को खरीद लिया जाता है एज अ स्लेव। स्लेव मजदूर को खरीद लिया जाता है और फिर उसको बोला जाता है तुम जिंदगी भर काम करो और सिर्फ उन्हें खाना खिलाते और काम करवाते रहते दिन और रात। क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड इंडिजीनियस वुमेन। तो यहाँ पर क्या चीज़ बताने की कोशिश करें, देखो कोई भी क्राइम अगर किसी दलित या फिर किसी इंडिजीनियस वुमेन, दलित वुमेन के अगेंस्ट होता है तो उसके खिलाफ भी क्या करा जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी दलित वुमेन के अगेंस्ट कोई वायलेंस होता है, यानी कि उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। अच्छा, एक मैनुअल स्कैवेंजिंग नाम की चीज़ है, इस चीज़ को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, जिसकी वजह से भी दलित्स की लाइफ के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। वॉट इज़ मैनुअल स्कैवेंजिंग? देखो, पुराने जमाने के जो टॉयलेट्स होते थे वो कुछ इस तरीके के होते थे कि लोग जाते थे, पॉटी वॉटी करते थे, टॉयलेट वगैरह करते थे, और ये जो पूरी टॉयलेट या पॉटी होती थी नीचे चली जाती थी टॉयलेट के, और पूरी नीचे ज़मीन पर कलेक्ट होती रहती। लोग ऊपर जाते थे टॉयलेट पॉटी करी, नीचे जाकर ज़मीन में कलेक्ट हो गई, ठीक है, या फिर एक गड्ढा टाइप बना दिया, उस गड्ढे के अंदर लोग जाकर पॉटी वगैरह कराए और वो कलेक्ट हो। अच्छा, ये जो पूरी पॉटी वगैरह थी ये कलेक्ट हो गई, एक्सक्रीटा बोलते हैं हम इसे, ये कलेक्ट हो गई, इसको उठाने का काम कौन करता था? इसको उठाने का काम करते थे दलित। दलित्स को बोला जाता था कि भाई ब्रूम्स यानी कि झाड़ू की मदद से, टीन की प्लेट्स की मदद से या बकेट्स की मदद से इस पॉटी को उठाओ, अपने सर पर रखो और दूसरी जगह फेंक करा। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है और ये चीज़ काफ़ी गंदी है। दलित्स को फोर्स किया जाता था कि ये काम करो, क्योंकि तुम तो दलित हो, तुम तो बने ही ये काम करने के लिए, इस टाइप की सोच थी लोगों की। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट थी मैनुअल स्कैवेंजर्स की और कंस्ट्रक्शन था ड्राई टॉयलेट्स का, ड्राई लैटरिन्स का, इस चीज़ को गवर्नमेंट ने रोक दिया। अब ड्राई लैटरिन क्या होती है? मतलब यही वाला सिस्टम कि आपने गड्ढा कर दिया और फिर उसके अंदर लोग जाकर पॉटी कर रहे हैं और फिर उस पॉटी को कोई कलेक्ट करके दूसरी जगह लेके जा। गवर्नमेंट ने बोला ये सिस्टम मत करो, आप क्या करो, अगर आपको कोई टॉयलेट बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी ही है टॉयलेट, तो ऐसी बनाओ जिसके अंदर पाइप्स वगैरह का सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीवर का सिस्टम होता है। जैसे हम लोग अपनी टॉयलेट के अंदर जाते हैं, आजकल तो जो टॉयलेट्स हैं उनके अंदर पूरा पाइप का सिस्टम है ना, कोई भी कलेक्ट करने नहीं आता ऐसा। तो गवर्नमेंट ने ये जो कलेक्ट करने वाला एक्ट था एक्सक्रीटा को, इसको बैन ही कर दिया, कोई ऐसी टॉयलेट बनाएगा ही नहीं, तो कोई कलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। इस एक्ट को पास करा था गवर्नमेंट ने 1993 के। आप में से बहुत सारे बच्चे हंस रहे होंगे, ओ पॉटी की बात कर दी सर ने, हाँ नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें बुक में लिखी हैं और एग्जैक्टली आप ये सोचो कि लोगों को कैसे ट्रीट करा जाता था, दलित्स को फोर्स करा जाता था उन्हें कि जाकर हमारी पॉटी उठाओ और फेंक कराओ। This law prohibits the employment of manual scavengers. Manual scavengers कोई भी according to this law ये काम नहीं कर सकते, as well as the construction of dry latrine, और कोई भी dry latrine नहीं बनाएगा, मतलब dry latrine ऐसी ही toilets नहीं बनाएगा जिसके अंदर कोई और person उनकी toilet को, potty को उठाकर फेंक कर आए। अगर किसी ने ऐसा बनाया, dry latrines को बनाया, तो उनके खिलाफ strict action लिया जाए। The government passed the Employment Manual Scavengers and Dry Toilet Construction Ban Act.
ठीक है, अब बात करते हैं आदिवासी की डिमांड की और 1989 के एक्ट। अब ये जो 1989 का एक्ट है ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था फॉर आदिवासी कि वो लोग अपने राइट्स को डिफेंड कर पाए और क्लेम कर पाए वो वाले लैंड को जिसके ऊपर वो पहले रहा करते। आदिवासी के साथ क्या हुआ था, क्या आपको पता है? आदिवासी जिस जमीन के ऊपर रहा करते थे जंगल के अंदर, वहां से उन्हें भगा दिया गया। ये बोल के भगा दिया गया था कि अब ये जो जमीन है ये सरकार के कब्जे में है और अब यहां पर कंपनी वाले लोग अपना काम करें। तो ये चीज बोलकर आदिवासी को उनकी जमीन से हटा दिया। आदिवासी को फोर्सेबली मूव करा गया था उनके लैंड से। इस चीज के खिलाफ बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, बोला कि अरे आदिवासी के साथ ऐसा क्यों हुआ। सोचो आप आज अपने घर में बैठे हो, मजे से लैपटॉप पे चैप्टर देख रहे हो या फिर फोन के अंदर ये चैप्टर देख रहे हो, अचानक से कोई आया आपको बोले अरे ये तुम्हारी जगह नहीं है, जाओ यहाँ से, ये जगह तो अब कंपनी की है, कंपनी वालों की है ये जगह। तो ऐसा ही आदिवासी इसके साथ हुआ था। बहुत सारे लोग जो शहर के अंदर एक्टिविस्ट थे, वो लोग जो आदिवासी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने बोला कि ये चीज़ तो बहुत गलत है, ट्राइबल लोगों के साथ वाकई में बहुत गलत हुआ, उनका जो एरिया ऐसे फोर्सेबली छीना गया था, फोर्सफुली छीना गया था, ये तो अंडर द लॉ पनिशेबल है। लेकिन फिर आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो आदिवासी लोग थे, ये लोग कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? देखो पुलिस तो वैसे ही इनकी हेल्प नहीं करती थी, क्योंकि जो कंपनी वाले लोग थे वो बहुत स्ट्रांग थे, वो पुलिस वालों से अपनी बात मनवा लिया करते थे। लेकिन कोर्ट के पास क्यों नहीं गए? कोर्ट के आगे तो पुलिस की भी नहीं चलती और उन कंपनी वालों की भी नहीं चलेगी। एक चीज समझो, ये जो आदिवासी लोग हैं वैसे ही इतने एजुकेटेड नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे और इतने अमीर भी नहीं थे कि कोर्ट के अंदर जाएं, लॉयर को महंगी महंगी फीस दें फिर अपना काम करें। तो इस वजह से आदिवासी को इतनी सारी प्रॉब्लम। यहां पर क्या हुआ, दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट दिस एक्ट ओनली कन्फर्म्स दैट वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रोमिसेस ट्राइबल पीपल। अब ये जो एक्ट है ना, इसके अंदर ऑलरेडी वही सारी चीजें बोली गई हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिस करता है, दैट लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल, जो भी लैंड ट्राइबल पीपल का था, इस लैंड को ना ही कोई लीज कर सकता है, ना ही कोई किस पे दे सकता है, ना ही कोई इस जमीन को किराए पर दे सकता है, ना ही कोई इस जमीन को खरीद सकता है, ठीक है, और नॉन ट्राइबल पर्सन ये लैंड को ना ही खरीद सकता है ना ही किराए पर ले सकता है। जैसे हम लोग किसी जंगल के अंदर गए जो कि ट्राइबल एरिया है एक तरीके से, यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते, मैंने बोला कि ये लो मेरे से पैसे और मुझे किराए पर दे दो, मुझे इस जंगल की जगह में रहना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो गवर्नमेंट का ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन वहाँ पर किराए पे यानी कि लीज पर उस जमीन को नहीं ले सकता। मैंने बोला ठीक है किराए पर नहीं दे रहे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे रहा हूँ, मुझे ये जंगल वाली जगह दे दो रहने के लिए, खरीद लेता हूँ मैं तुमसे। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ कोई भी पर्सन ट्राइबल एरिया में जाकर नहीं रह सकता, उनकी जमीन को नहीं खरीद सकता। नॉन ट्राइबल पर्सन मतलब हम जैसे लोग जो कि शहर के अंदर रहे, अगर कोई इंसान ट्राइबल पर्सन या इन्हीं के जंगल का है तो वो तो इनकी जमीन को खरीद सकता है किराए पे ले सकता है। ट्राइबल पीपल्स हैव द राइट टू रिक्लेम देयर प्रॉपर्टी, जो ट्राइबल पीपल हैं ये लोग रिक्लेम कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को जिसे गवर्नमेंट ने या फिर किसी कंपनी ने इनसे छीना था, ठीक है। और इस चीज को ये कैसे रिक्लेम कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के संविधान की मदद से, हमारे देश के रूल्स की मदद से। मीनवाइल ट्राइबल पीपल who have already been displaced and cannot return to their lands must receive compensation. अब देखो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल भी हैं जिन्होंने जंगल वाली अपनी जगह छोड़कर कहीं और ही जाकर वो छोटे मोटे घर में रहने लगे, जॉब करने लगे, अब वो लोग जंगल वाली जगह में नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते वापस वहाँ पर, तो वो लोग क्या चाहते हैं, उन लोगों को क्या मिलना चाहिए, compensation, मतलब कुछ ना कुछ, हिंदी में बोलते हैं मुआवजा। कंपनसेशन को वैसे ही बोला जाता है कि कुछ ना कुछ उनको, जैसे जो उनकी ज़मीन थी उसके बदले कुछ ना कुछ उनको पैसे वगैरह दे दी जाए या उनकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर दी जाए, उनकी जॉब दे दी जाए। दिस मीन्स गवर्नमेंट नीड्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज टू एनेबल देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर। अब इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन सारी चीज़ों की मदद से आदिवासी को हेल्प कर सकती है कि वो कहीं और जगह पर भी जाकर रह सके और कहीं और जगह पर काम भी कर सके, क्योंकि आदिवासी को ये रहेगा ना भाई जो हमारी ज़मीन है हमसे कोई नहीं छीनने वाला, नहीं तो आदिवासी कहीं और जगह पर काम भी नहीं करते ना ही कहीं और जगह जाकर रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कोई हमारी ज़मीन ना छीने। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, इस एक्ट की वजह से आदिवासी काफ़ी ज़्यादा एश्योर हो गए। आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम समझ रहे हैं कंक्लूजन को।
कंक्लूजन का मतलब क्या कि फाइनल बात जो हमें इस चैप्टर से समझ में आई है वो क्या बात है। देखो फाइनल बात जो हमें इस चैप्टर से समझ में आई है वो ये है कि जो लॉ हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशन हैं, इनको ऑन पेपर तो बना दिए गए बट एक्चुअली में ये रूल रेगुलेशन और ये लॉ जो हैं इनका इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प करना हम लोगों का ही एक तरीके से हम लोगों की ही ड्यूटी है। अगर हम शहर जैसी जगह की बात करें तो यहाँ पर तो कास्ट को लेकर अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लेकिन गाँव में आजकल डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं भी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। पीपल हैव ऑलवेज हैड टू स्ट्राइव और हैव स्ट्राइव और स्ट्राइव टू ट्रांसलेट देयर दीज इन टू प्रिंसिपल दैट गाइड द एक्शन ऑफ देयर फेलो सिटीजन्स एंड लीडर्स। लोग शुरू से ही बहुत मेहनत करते आए हैं, जंग लड़ते आए हैं सिर्फ इसीलिए कि ये जो रूल और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं सब लोगों की मदद के लिए ये अच्छे से फॉलो हो, सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिले, सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट करा जाए, सबकी रिस्पेक्ट हो, मतलब सबको इज्जत की नज़रों से देखा जाए। ऐसा नहीं कि भाई आप दलित हो तो आप अनटचेबल हो, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, आप हमारे साथ नहीं पढ़ सकते, ये सारा ट्रीटमेंट उनके साथ ना। अब यहाँ पर देखो मैंने एक पिक्चर लगाई है, आप में से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए, सर ये क्यों पिक्चर लगा दी और ये आदमी कौन है जो खा रहा है यहाँ पर बैठ के खाना। अब आप सबको पता होगा कि जो IAS ऑफिसर होता है वो वाकई में एक बहुत रिस्पेक्टेड जॉब करता है। तो बिहार के एक स्कूल में एक वुमेन को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता है, ये बोला जाता है कि ये जो वुमेन है ना इसके हाथ का कोई भी खाना खाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, इसको क्या कर दिया जाए, इसको जो ये औरत पता है स्कूल में पहले जॉब करती थी बच्चों के लिए खाना बनाती थी, इसकी जॉब क्या थी स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाना, मिड डे मील देना बच्चों को, तो इस औरत को स्कूल से निकाल दिया जाता है ये बोल के ये जो वुमेन है ना इस वुमेन के ऊपर कोई ना कोई कर्स है, कोई ना कोई श्राप है जिसकी वजह से अगर हमारे बच्चों ने इस वुमेन के हाथ का खाना खा लिया तो वो बीमार हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस चीज को, इस सोच को हटाने के लिए यहाँ के जो IAS ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर आप लोग जानते हो बहुत बड़ी पोजीशन के ऑफिसर होते हैं, इन्होंने बोला कि ये जो लोगों की सोच है इसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, तो ये खुद गए, इन्होंने खुद गए और इस वुमेन के हाथ का खाना खाया। जब ये सारी चीज़ गांव वालों ने देखी, ये सारी चीज़ बच्चों ने देखी, ये सारी चीज़ लोगों ने देखी, तो उन्हें लगा भाई इतना बड़ा ऑफिसर, IAS ऑफिसर, ये खा रहा है इस औरत के हाथ का खाना, फिर तो भाई इस औरत के हाथ के खाने में कोई बुराई नहीं है, हम भी खा लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। कंक्लूजन यही है कि ऑन पेपर तो बहुत सारे लॉ हैं, ऑन पेपर तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन इनको फॉलो करवाना बहुत मुश्किल है, हम जैसे लोगों को ही आगे आकर इन्हें फॉलो करवाना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन दिखे किसी वुमेन के साथ या किसी कास्ट की वजह से किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर जस्ट बिकॉज वो दलित या आदिवासी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ ज़रूर उठाएं। आपको डिस्क्राइब करना है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये कुछ राइट्स होते हैं जो कि हर एक कंट्री अपने सिटीजन्स को देती है। कौन सी कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री। इसको बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, देखो इस चैप्टर के नोट्स इन पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने आपको सारी चीज़ों के, मतलब जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली ये पॉइंट्स ही लर्न कर सकते हो और अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या सैम्पल पेपर, व्हाट आर सैम्पल पेपर, जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखो बुक के पीछे से अब क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, खास करके आपने देखी होगी तो जो हमारी बुक है NCERT है उसके अंदर क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे दिए भी नहीं गए हैं बुक के पीछे। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के बीच से एग्जाम में आ सकते हैं वही क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर में मिल जाए, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कवर हैं। अगर आप अच्छे से सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो फुल मार्क्स आना गारंटेड। लेकिन जो बुक के पीछे के क्वेश्चन दिए सर, हम अगर हम वही कर लें तो, देखो जो बुक के पीछे के क्वेश्चन दिए हैं वो आपको पता है कि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, वो एग्ज़ाम में नहीं आते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो वो तो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लोगे तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, साथ ही में आपको शाउट आउट मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी कैसे? नोट, सैम्पल पेपर और शाउट आउट, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके आपको मेंबर बनना। लेकिन सर हम मेंबर बन गए, हमें सैम्पल पेपर और नोट्स मिल गए, मेंबरशिप तो पेड होती है सर, तो हम अगर हम मेंबर बन गए और हमने पैसे पे कर दिए तो हमें सिर्फ क्या इसी चैप्टर के नोट्स और सैंपल पेपर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको इंग्लिश के, साइंस के और SST के, SST में सिर्फ आपको ज्योग्राफी के नहीं मिलेंगे, हिस्ट्री के नहीं मिलेंगे, सिविक्स के नहीं मिलेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स इन तीनों के मिलेंगे।
इंग्लिश आपको मिलेगी, साइंस के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट्स के कंप्लीट नोट्स बढ़िया से, साथ ही में सैंपल पेपर तीनों सब्जेक्ट्स के सिर्फ एक मेंबरशिप के प्राइस में मिलेंगे। तो फटाफट आप मेंबर जरूर बनो, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जरूर बनना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, चलो फटाफट शेयर करो, अभी भी नहीं करा यार, चलो जल्दी से शेयर करो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मनु से ज्ञान लेते रहो, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।